सलमान खान इस बार बिग बॉस के सेट्स पर शूटिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट है और डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सलमान खान ने इस बार सेट्स पर शूट करने से मना कर दिया है बिग बॉस के, लेकिन सिर्फ सेट्स पर शूट करने से मना किया है क्योंकि इस बार कोरोना वायरस चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में सलमान जो है वो बिग बॉस के सेट्स पर नहीं बल्कि घर से ही वीकेंड का वार होस्ट करेंगे। जी हाँ, इस बार बहुत सारे मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। सो जितने भी कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाएंगे उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा, उनकी इम्यूनिटी चेक की जाएगी, और टेम्परेचर लो या ऊपर होने के वजह से लोगों की एंट्री और एग्जिट इस बार निर्भर करेगा घर के अंदर। सो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है ये बात भी डिसाइड होगी कि आप एलिमिनेट होते हैं या नहीं एलिमिनेट होते, ये डिसाइड करेगा आपके बॉडी टेम्परेचर पर। सो इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या कहते हैं, ये एक बड़ी डिटेल आई है कि सलमान खान जो है वो पनवेल फार्म हाउस पर ही रहेंगे और वहीं से वीकेंड का वार होस्ट क्या करेंगे, आई थिंक ऑनलाइन होस्टिंग होगी, और सेट्स पर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है क्योंकि तमाम लोग आते हैं और यू नो ऑडियंस भी आती है सेट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो इसीलिए जो शूटिंग्स हैं वो ऑनलाइन होंगी और सलमान खान घर से ही होस्ट करते नजर आएंगे लोगों को पनवेल फार्म हाउस से। सो आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रीसेंट अपडेट पर, ये आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कंगना रनौत के बयान पर रिएक्शन दे दिया है जैकलिन फर्नांडिस ने। जी हाँ, किस बात पर ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि हाल ही में कंगना रनौत ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसके बाद से हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि वो इंटरव्यू अपने आप में इतना एक्सप्लोसिव था। मैं आपको बता दूँ कि कंगना रनौत ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान विदेशी एक्ट्रेसेस, विदेश से आई हुई एक्ट्रेसेस जो इंडिया में आकर एक्टिंग कर रही हैं, उस पर भी तमाम बातें कहीं कि हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वही अपने आप में कहीं ना कहीं जो बाहर के एक्ट्रेसेस हैं उनको बहुत सर पर चढ़ा देते हैं, उनको बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इस तरह की तमाम बातें कहीं। अब ऐसे में ये बात जो है कहीं ना कहीं चुभ गई है जैकलिन फर्नांडिस को। जी हाँ, जैकलिन ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर, स्टोरी पर शेयर किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि पहले मैं एक कोट था बेसिकली कि पहले मैं अपने नाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने पीस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बाकी जिसको जो समझना है समझे, व्हाटएवर। जी हाँ, कहीं ना कहीं लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं कंगना रनौत के पोस्ट से, जो कि आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग जैकलिन के उस पोस्ट को रिलेट कर रहे हैं कंगना से कि कंगना अब जो है एक और यू नो सेकेंड इनिंग शुरू कर चुकी है अपने एक्सप्लोसिवनेस की, और सुशांत के बाद से जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी उसके बाद अब ये इंटरव्यू के बाद और भी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई हैं चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि इसीलिए हर कोई ये समझ रहा है कि जैकलिन ने जो पोस्ट शेयर किया है वो कहीं ना कहीं कंगना के ऊपर है, कंगना की बातों का जवाब है कि मैं अपने नाम को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, मैं अपने पीस को, मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है इन चीज़ों से, या आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा है। क्यों भेजा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा है। जी हाँ, नोटिस इसलिए भेजा है ताकि कंगना रनौत थाने आकर, जी हाँ, यानी कि बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी समन करना चाहती हैं, जो भी इंटेरोगेशन करवाना चाहती हैं और बोलना चाहती हैं वो सब उनसे पूछा जाए और वो बता पाएँ। मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की ये अनसर्टेन डिमाइस हुई है उसके बाद से लगातार कंगना जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, और उनका ये कहना है कि इंसान अगर परेशान होता है तो उसके पीछे तमाम रीजंस होते हैं, लेकिन सुशांत के परेशान होने के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न इंडस्ट्री का भी था। इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली उनको तोड़ा है और सिस्टमैटिकली उनके साथ ये चीज़ें की हैं। मैं आपको बता दूँ कि
पिछले कुछ वक्त पहले कंगना ने यह भी कहा था कि अगर मुंबई पुलिस मुझे बुलाती है मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगी। और अब एक मीडिया पोर्टल के मुताबिक ये खबर दी गई है कि कंगना रनौत को फाइनली नोटिस मिल चुका है मुंबई पुलिस से और कंगना रनौत बहुत जल्द जाएंगी अपना स्टेटमेंट सबमिट करने, अपना इंटरोगेशन पूरा करने मुंबई पुलिस के साथ। अब इस इंटरोगेशन में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, कंगना क्या कुछ बताती हैं नया, और क्यों वो करण जौहर या YRF या फिर महेश भट्ट इन सभी लोगों पर भड़क रही हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी जब कंगना रनौत वहाँ जाकर अपना इंटरोगेशन पूरा करेंगी। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अब तक सिर्फ कंगना रनौत डायरेक्ट वार कर रही थी, लेकिन अब तापसी पन्नू ने पलट वार कर दिया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब दिया है कंगना रनौत को। जी हाँ, क्या कुछ कहना है तापसी पन्नू का ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ ज्योतिना हक। वेल, मैं आपको बता दूँ कि कंगना रनौत ने काफ़ी कुछ बातें कही हैं तापसी पन्नू को लेकर, सिर्फ तापसी नहीं बल्कि महेश भट्ट से लेकर, यशराज से लेकर, करण जौहर से लेकर हर किसी पर वो निशाना साध रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने का, कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। अब इस चीज़ पर उन्होंने सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं बल्कि तापसी को भी काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि वो उनका सपोर्ट ना कर कर कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर बैठी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं ये बी ग्रेड एक्ट्रेसेस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि तापसी पन्नू ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हर तरह की पुलिस जांच होनी चाहिए ये जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ें थी और क्यों सुशांत ने ऐसा किया। सिर्फ सुशांत नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जिया खान को लेकर भी ये चीज़ें होनी चाहिए, और कैसे ऑन दिस अर्थ हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि जिया खान के वक्त जिस तरह के रीजंस आ रहे थे उस वक्त इंसान का तरीका अलग था, और अब जब सुशांत के वक्त पर जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इंसान का तरीका अलग है। ये सारी बातें कही है तापसी पन्नू ने। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा है, मैं आपको बताती हूँ कि एक आर्टिकल की फ़ोटो शेयर की है तापसी पन्नू ने, जिस आर्टिकल में मैं आपको बता दूँ कि लिखा हुआ है कंगना रनौत का स्टेटमेंट तब का जब जिया खान ने सुसाइड किया था। जिया खान के वक्त कंगना रनौत का कहना था कि डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी है, इसको सिर्फ डिप्रेशन के तौर पर लेना चाहिए, और डिप्रेशन से अगर किसी इंसान ने ऐसा कदम उठा लिया है तो उसको किसी इंसान से नहीं जोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ कंगना रनौत ने ये भी कहा था उस वक्त, उस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि डिप्रेशन किसी भी तरह से या किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी एक इंसान से इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तापसी पन्नू का ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज़ है, और कहीं ना कहीं तापसी पन्नू ने ये भी कह दिया है कंगना रनौत को कि वो हिपोक्रिट है। जिया खान के वक्त वो डिप्रेशन की अलग परिभाषा बना रही थी, और अब सुशांत सिंह राजपूत के वक्त वो डिप्रेशन की अलग परिभाषा बना रही हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों ही पैमाने बहुत अलग हैं। जिया खान के बारे में काफ़ी अलग बातें कही हैं कंगना रनौत ने। जिया खान के डिप्रेशन को एक नॉर्मल बीमारी की तरह बताया गया है, लेकिन यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन को था या नहीं था वो हम नहीं जानते, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो उसको कंगना रनौत ने एक सुसाइड गैंग बोलकर एक नाम जो है वो बना दिया है। सो ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डिबेट है, कॉन्वर्सेशन कह लीजिए या वेकअप कॉल हो चुकी है इंडस्ट्री के लिए, तो ये शुरू हो चुका है। देखना होगा कि ये ऑनगोइंग वॉर कब तक चलती है और कैसी चलती है। आप लेकिन किसकी सपोर्ट में हैं, और आपको क्या सही या क्या गलत लगता है, ये आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज़ ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। चेतन भगत ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे सुसाइड की कगार पर। जी हाँ, किस इंसान की वजह से ये उन्होंने खुद रिवील किया है ट्विटर पर, चलिए आपको बताते हैं। वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से इंडस्ट्री में हड़कंप मच चुका है। जी हाँ, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को काउंटर अटैक कर रहा है। सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ दिस। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चेतन भगत ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज़ होने वाली है, और ये जो पेड क्रिटिक्स होते हैं, पेड मीडिया होती है, जो कि किसी के भी कैरेक्टर को बनाने या बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बिहेव करती है, उनको अब ध्यान रखना चाहिए दैट वी आर वॉचिंग, वी एज इन द ऑडियंस, द पीपल हु लव फिल्म, द पीपल हु लव्ड सुशांत और स्टिल लव, वी ऑल आर वॉचिंग, हम सब देख रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस वेन यू राइट एनीथिंग अबाउट अ फिल्म, एनीथिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत लास्ट फिल्म या किसी भी अच्छी फिल्म के बारे में। हमेशा रिव्यू लिखिए, लेकिन तरीके से कहिए, लेकिन तरीके से, और
एकदम नीचे मत गिर जाइए, किसी को किसी के लिए रबिश बातें मत लिखिए, इस तरह की तमाम बातें चेतन भगत ने लिखी। अब अनुपमा चोपड़ा, जी हाँ, जो कि विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ है, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वाइफ होने के साथ साथ ऑफकोर्स वो एक फिल्म क्रिटिक भी हैं। अब ऐसे में अनुपमा चोपड़ा ने ट्विटर पर चेतन भगत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जब भी मैं सोचती हूँ कि ये जो डिस्कशन चल रहा है नेपोटिज्म का, ये और नीचे नहीं गिर सकता, बस ये आखिरी है पैमाना, उसके बाद तुरंत ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी नीचे गिर गया। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने चेतन भगत के लिए ये बात लिखी, क्योंकि उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा अनुपमा मैम ने। अब मैं आपको बता दूं कि इस रीट्वीट पर वापस से एक और ट्वीट डाला है चेतन भगत ने, और उन्होंने लिखा कि आप बात कर रही हैं डिस्कशन नीचे गिरने की, आप मुझे बताइए जब मेरी बुक 5.1, जो कि काफ़ी लोग अब तक जान चुके हैं इस बात को कि 70% ऑफ द फिल्म थ्री इडियट्स इज 5.1, जो कि चेतन भगत की बुक है, इस बुक के लिए जब मुझे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, जब आपके हस्बैंड यानी कि विधु विनोद चोपड़ा मुझे पब्लिकली बुली कर रहे थे, पब्लिकली इंसल्ट कर रहे थे, पब्लिकली मेरा क्रेडिट खा रहे थे, करोड़ों अवार्ड्स, लाखों अवार्ड्स उन्होंने थ्री इडियट्स के लिए बटोरे हैं, मेरी स्टोरी के नाम पर बेस्ट स्टोरी के अवार्ड्स आपने बटोरे हैं, जबकि 70% स्टोरी मेरी बुक से ली गई है, तब आपका डिस्कोर्स कहाँ था, तब आपका ये डिस्कशन नीचे जाने वाला पैमाना कहाँ था, इस तरह की तमाम बातें तो लिखी। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने मुझे, आपके हस्बैंड ने जब मुझे ऑलमोस्ट सुसाइड तक पहुँचा दिया था, तब आपका डिस्कोर्स कहाँ था, तब कहाँ था ये डिस्कशन। सो इस तरह का एक बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है चेतन भगत ने। देखना ये होगा कि अब अनुपमा चोपड़ा इस चीज़ पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।